नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपनी पृथ्वी जो हमारी धरती माता है उसके भविष्य के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में। तो अगर आपकी जो आमदनी है वो खर्च ज़्यादा होते हैं, आमदनी अगर खर्चे से कम होती है तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम इसी तरह पर्यावरण की बात करें, अगर इनका ज़्यादा खनन किया जाता है, ज़्यादा इन्हें बर्बाद किया जाता है, तो हमारे बच्चों के भविष्य को भी डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है जिससे हम इसको समझ सकते हैं, जो है द अर्थ ओवरशूट डे। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक साल के यूज़ के लिए संसाधन दिए गए हैं, अगर आप उसको समय से पहले खर्च कर देते हैं, जैसे कि जून में खर्च कर देते हैं, जुलाई में खर्च कर देते हैं, एक साल पूरा होने से पहले खर्च कर देते हैं, उसको ओवरशूट डे बोलते हैं। इसके अलावा जो आपको एक महीने की मान लीजिए पॉकेट मनी दी जाती है, अगर आप उसको 10 तारीख को ही ख़त्म कर देते हैं तो यही होता है ओवरशूट डे। इसके अलावा अगर आपकी जो खर्च ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, खर्च ज़्यादा होंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा किया जाएगा, खनन ज़्यादा किया जाएगा, जंगलों को ज़्यादा मात्रा में साफ किया जाएगा, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। हमारे पर्यावरण पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, हमारे पर्यावरण को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। संसाधनों की हमारी भूख लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए अर्थ ओवर शूट डे साल दर साल पहले के मुकाबले जल्दी आ रहा है। 1970 में ये दिन 30 दिसंबर को आया था, जबकि 1990 में ये 10 अक्टूबर को ही आ गया था। इसके अलावा 2010 की अगर बात करें, 2010 में ये खिसक कर 6 अगस्त को हो गया था और इस साल अर्थ ओवरशूट डे 28 मई को ही आ पहुंचा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया खपत और उत्पादन से बढ़ता है, जितनी ज़्यादा मांग होगी उतनी ही ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लगभग सभी चीज़ों के लिए किसी ना किसी रूप में प्रकृति को ही इस्तेमाल किया जाता है, प्रकृति से ही ये मिलते हैं, जिसमें पानी, हवा, लकड़ी, खेती आदि है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जानवर आते हैं, इसके अलावा खेती होती है। कुल मिलाकर सारा जो जिम्मा है वो पर्यावरण और प्रकृति पर थोप दिया गया है। प्रकृति ही हमारी है जो हमारी रक्षा कर रही है। दुनिया भर में ऊर्जा की जितनी भी खपत होती है उसके एक तिहाई हिस्से के लिए खाद्य उत्पादन क्षेत्र जिम्मेदार है। यहाँ तक कि ग्रीन हाउस गैसों का 22% उत्सर्जन इसी सेक्टर से होता है, इसी क्षेत्र से होता है। अधिक उपज के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरकता है और उपजाऊता है वो समाप्त हो रही है। दुनिया में जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए मांस की खपत पूरी करने के लिए अधिक उत्पादन में जो जीव पालन है वो किया जा रहा है। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है ज़्यादा ज़मीन की, ज़्यादा खेती की, ज़्यादा पानी की, क्योंकि उनके लिए चारा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चीज चाहिए। इसके अलावा अगर महासागरों में मछलियों की बात करें तो महासागरों से भी बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ा जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि मछलियों को प्रजनन के लिए भी समय नहीं मिलता, जिससे उनकी आबादी भी, उनकी संख्या भी घटती जा रही है, उनकी संख्या में भी कमी आ रही है। और आश्चर्य की बात एक और है, आश्चर्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो दुनिया में खाना बनता है उसका एक तिहाई यानी कि 1.3 अरब जो टन है, उतना खाना कूड़े के ढेर में जाता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों का जो एक संकल्प था कि इनका इस्तेमाल कम होगा या इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका भी कोई भी संकल्प अभी तक नहीं खोजा गया है, जबकि हमारा परिवहन साधन तो इसी जीवाश्म ईंधन पर टिका हुआ है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है और हमारी धरती दिन पर दिन गर्म होती जा रही है। इसके अलावा
शहर की बात करें तो ज़्यादा जो लोग हैं सुविधाओं की वजह से शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिससे आबादी शहरों में बढ़ रही है, नए शहर बनाए जा रहे हैं। जो सुख सुविधा है अब लोगों की बिजली पानी मकान की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पर ये ऐसे संसाधन है ही नहीं जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, एक ना एक दिन तो ये भी खत्म होंगे, तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अब जर्मनी को ही देख लीजिए, दुनिया का ओवरशूट डे इस साल 28 जुलाई को रहा, पर जर्मनी का 5 मई को ही आ गया। यानी कि मतलब क्या था कि जो पूरे साल के लिए संसाधन मिले थे 4 महीनों में ही जर्मनी ने इसको खत्म कर दिया। पर अमेरिका की अगर बात करें तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब है, उनका ओवरशूट डे 13 मार्च को ही आ गया। इसमें जो सबसे अच्छे देश हैं वो है इक्वाडोर, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि देश हैं। इन सभी का ओवरशूट डे इस साल दिसंबर में होगा। भारत के बारे में अगर बात की जाए तो इसके बारे में अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जितना हमारा इकोसिस्टम संसाधन पैदा कर सकता है उसके हिसाब से 74% ज़्यादा जो है संसाधनों का इस्तेमाल हम लोग अपनी आम जिंदगी में अब कर रहे हैं। इसके अलावा 1.7 जो है पृथ्वी चाहिए इन संसाधनों को पैदा करने के लिए। जिसके बाद अगर बात की जाए यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि सब लोग इसी तरह अगर इस्तेमाल करते रहे संसाधनों को तो 3 पृथ्वियाँ हमारे संसाधनों को पैदा करने के लिए चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर बात करें उन देशों के बारे में कि जिसमें बहुत ही जल्दी ओवरशूट डे आ गया, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है कतर का, जिसमें 10 फरवरी को ही ओवरशूट डे आ गया था। इसके बाद अगर लग्जमबर्ग की बात की जाए तो 14 फरवरी को यहाँ पर ओवरशूट डे आ गया था। हालांकि अगर अभी ओवरशूट डे को आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया है, पर हमारे पर्यावरण को समझने के लिए, उसमें पहुँच रही हानियों को समझने के लिए यह बहुत ही मददगार है। हमारी पृथ्वी जितना उत्पादन कर सकती है हमें उसी हिसाब से अपनी ज़रूरतों में ढलना होगा, पर हमारे यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल उल्टा। हमारी पृथ्वी, हमारा जो इकोसिस्टम है वो जितना उत्पादन पैदा कर सकता है उसके हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब हमें करना ये होगा कि हमें कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, अपनी जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से इस्तेमाल करना होगा और अपनी ज़रूरतों को भी इसके साथ साथ कम करना होगा, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी कोई हानि ना पहुंचे। इस पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का जो जिम्मा जाता है वो जाता है अमीर देशों को, जो कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़िम्मेदार हैं जलवायु को हानि पहुँचाने के लिए, पर इसका जो भरपाई करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है गरीब देशों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।